मेरे देशवासियों, अन्याय के खिलाफ जंग अब शुरू की जाए। हाथ नीचे कर लीजिए सर। क्यों, क्या बुराई है अपने हक की लड़ाई लड़ने में? क्योंकि आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते सर। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हम सब एकजुट हो जाए तो मिलकर इस अखबार को बचा सकते हैं। सेवाती, इन लोगों के साथ हुजूर, ये क्या बचाएंगे अखबार को सर? ये लोग जाहिल हैं। जाहिलों को क्या पता अपने हक की लड़ाई लड़ना सर। बस करो, बहुत हुआ। छोटा और जाहिल समझते हो क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आप जैसे शहरी नहीं, हमें क्या समझ में नहीं आता? आता है, सब कुछ आता है, पर तुम नहीं जानते। छोटे शहर से ही सही, पर हमारा हौसला पहाड़ से बड़ा है, चट्टान से भी मजबूत है हमारा दिल। डरते नहीं है हम किसी से, खून की नदियां बहा देंगे हम। जानते नहीं हो हमें, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तहलका भी मचा सकते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इतने गहरे जज्बात और इरादे मैंने शेक्सपियर की कौन सी किताब में पढ़ी थी? मर्चेंट ऑफ वेनिस बुक। बिल्कुल सही कहा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, पता है इसे? देखो, यहाँ के लोग शेक्सपियर जानते हैं। बोलो, अब बोलो, देख लो, ये शेक्सपियर जानते हैं। सेबाती, बस बहुत हुआ, आप बोर हो गए हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं। प्लीज सेबाती, अब बस करो, रिपोर्टर हैं हम तो अपनी लड़ाई हम जारी रखेंगे। गजब। अब क्या कर रहे हो आप? भाई, आपसे पूछ रही हूँ, क्या है ये? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, तुम अभी किसी के साथ भी बाहर नहीं जाओगी, किसी के साथ भी नहीं, जाओ अंदर। बस बस, ये बच्चा है, अब जेल बना दो घर को। हाँ, ऐसे तो दम घुट जाएगा। हाँ और क्या, करने दो, अब हम भी देखते हैं आगे क्या करना है। वो क्या कर लोगी तुम, आखिर क्या कर लोगी? अपने कमरे में जाओ, जाओ अपने कमरे में, जल्दी जाओ। नाचो, विरोध करो। दोस्तों देखो, कोई हमको हिप्नोटाइज कर रहा है। सर भारी हो रहा है, सर भारी हो रहा है। नहीं नहीं, नहीं। ये हेलीकॉप्टर। तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ले जाओ इसे। अब अच्छा लग रहा है, अब दिमाग ठिकाने पर है। माशाल्लाह, बड़ा हो गया बच्चा। आईफोन दिखा।
दिखाओ तो तुम कितने बड़े हो गए हो। बेटा मेरी तरफ देखो। प्लीज बाबा। सब बैठे हैं, थोड़ा गाली शाली दे के दिखाओ। गाली, 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 कौन सी वाली तू? इधर आ। खस्मानु खाने हो? खस्मानु खाने हो? खस्मानु खाने हो? खस्मानु खाने हो मेलिस? क्या हुआ था हमें? हमें हिप्नोटाइज किया गया था। हिप्नोटाइज किया था? चलो 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 यहां से चलो। तुमने हमें हिप्नोटाइज किया? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग तो एक बार विरोध करते करते खुद ही सो गए, और कितने प्यारे लग रहे थे तुम। यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? लायला आंटी आप यहाँ पे? आंटी किसे बोला? ये चुड़ैल अखबार बंद करा देगी। ओ सच में? ओ शुक्र है, आखिरकार अखबार से छुटकारा मिल ही गया हम सबको। देखिए मोहतरमा, आप और आपकी चालें हमें और हमारे अखबार वालों को यहाँ से किसी भी हाल में खदेड़ नहीं सकती। डर कहते हैं इसे डर, और डर इंसान से कुछ भी करा सकता है। हम आजादी के परवाने तुमसे नहीं डरते। यस, ये अखबार रहेगा और खूब चलेगा भी। बहुत बढ़िया। यानी यानी शांति, यानी कि तुम हार नहीं मानोगे, है ना? कभी नहीं। कभी नहीं। हम लड़ेंगे और आखिर तक, हम खूब लड़ेंगे आखिर तक। बहुत। हेलो, बताओ अब क्या करोगी? अब तुम हमारा क्या करोगी लाले मोहतरमा? सिर्फ तुम लोग ही नहीं, डुडुलू भी। डुडुलू भी? पर कैसे? वो ऐसे कि पूरा डुडुलू धुएं का बादल बन के उड़ जाएगा। हले दुकानदार, जवान बच्चे, बूढ़े, कोई नहीं बचेगा। पुफ, डुडुलू में कोई भी नहीं रहेगा। अब तुम ही चुन लो, तुम्हारा अखबार या डुडुलू। इतना आसान नहीं है। पैसे से है, पावर से है। मैं इतने खतरनाक लोगों को जानती हूँ जो तुम्हारे जैसे मामूली रिपोर्टर को चुटकी में निपटा देगा। तुम आजमा के देख लो, इतना रिस्क तुम लोगे असिम? मेरे दोस्तों इधर आओ। हम ये अखबार बंद कर रहे हैं। अच्छा तुम
कुछ नहीं कर सकते? जरूर जरूर मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी, फिक्र मत करो। तुम सम्मान मंडली में सेक्रेटरी बन जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलो 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 चलो, पैकिंग नहीं हुई क्या अब तक? चलो 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 जल्दी चलो चलो, पैकिंग करनी अब तक बाकी है, चलो जल्दी चलो चलो जल्दी, हाथ चलाओ जल्दी। तुम हंस रहे हो या मजाक चल रहा है क्या? दुख के मारे सर, दुख के मारे। हाँ चलो जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। क्या भागो भागो, यहाँ कबड्डी चल रहा है क्या? हाँ हाँ मैं उनको बोल रहा हूँ, तुम अपनी उम्र देखो और चुप बैठो जरा। अबे उठो, दिल छोटा ना करो, चलो कुछ बढ़िया खाना वाना खाएं और फिर अपना दिल बहलाएं। हाँ प्लीज चलो बाबा, प्लीज चलो। हे मेरी तिजोरी, आज क्या देने वाली हो हमें? अरे वाह, ये देखो क्या दिया इसने। सुशी, दिल से अगर मांगोगे तो क्या मिलेगा? ये लो कबाब और जलेबी। और कबाब? क्या बात है। चिकन ये लो। और चाहिए चिकन होता, ये लो मिल गया, मिल गया। और क्या चाट मसाला के साथ। ए मेरी तिजोरी, बच्चे ड्रिंक के बिना कैसे खाएंगे? नहीं खाएंगे। और ये लो आ गई तुम लोगों की ड्रिंक। ये हो गई पार्टी, भूख लगी, अब चलो पेट पूजा करते हैं। ओ चीयर्स चीयर्स चीयर्स। बस बहुत हुआ, अब टेंशन नको, टेंशन नहीं लेने का। अब टेंशन नको बाबा, टेंशन नको। हमेशा खुश रंग रहेंगे तो हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा हेलो एलवन। आसिम जी, क्या हुआ आसिम जी? हमारा अखबार बंद हो गया एलवन, मेरा दिल आज बहुत उदास है। आसिम जी दुख हुआ सुन के। मेरे पास इस वक्त दुख बांटने के लिए कोई नहीं है एलवन। ओ आसिम, मैं हमेशा आपके दुख में आपके साथ हूँ। आसिम जी गाल लाल हो गए। पागल समझा है मुझे हा? आसिम जी ये क्या कर रहे हो? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? ये सब आदमी कौन है? ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और इन्हें सजा मिली है, क्यों आपको क्या लगा? बस करो सजा हो गई। मुझे लगा तुमने वो हल डांसर को छुपाया हुआ है। आसिम जी इतने बेचैन मत हो, रिलैक्स। बाबा बाबा बाबा, कहाँ पे हो बाबा? अरे यार पता नहीं कहाँ चल गए बाबा। बाबा मैं थक गई, मैं बहुत थक गई समझे? बाबा बाबा, सब मरे हुए हैं क्या? बाबा बाबा बा, हाँ बाबा बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सजा काट रहे हैं, ये सब सताए हुए लोग हैं। आप किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? यहाँ से स्वर्ग या फिर नर्क जाएंगे। पर कैसे? पता है सबसे अजीब चीज क्या है? इस दुनिया के अंदर रहना भी नर्क जैसा ही है, यकीन नहीं होता? बाबा आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे आज क्या याद आया, आपने बचपन में मुझे गाली देने को कहा था ना, फिर आप सबने मिलकर मेरा कहकर मजाक उड़ाया था। मेरे अंदर तो तब भी दिमाग नहीं था। क्या बाबा प्लीज, अब मुझ पर हंसो मत ठीक है? आपने पहले ही मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। अगर मैं खुल के दिल की बात बोल पाता तो सब अलग होता, पर अब मैं फट्टू हो गया हूँ।
हर मोड़ पर जिंदगी में मुझे हमेशा डर लगता है। अगर कुछ खो देने का डर लगता है फिर तो खो दोगे, आसान है अगर समझ लो तो। हाँ आपके लिए तो ये आसान है, आपको अब किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सही है, जब मर जाओ तो किस चीज का डर। तो क्या करूं, मैं भी मर जाऊं क्या? हाँ हट पगले, ऐसा नहीं बोलते। क्या अजीब हरकतें करते हो आप बाबा। और मुर्दा लोग के सपने कौन देख रहा है अभी? मैं तो अच्छा खासा प्लेयर होते होते रह गया था मम्मी, कोच ने मेरे अंदर के हुनर को पहचान लिया था, पर फैमिली संभालना बहुत जरूरी था। अब तुम मुझे पूछोगे कि तुम्हारे बाप या खाने में से एक को चुनो तो खाना बेहतर है ना, कम से कम सुकून तो देते हैं कबाब, बिरयानी, मालपुए वगैरह, किसी का भी नाम लो अच्छा लगता है खाने के बाद। मैं तो स्ट्राइकर बन सकता था मम्मी, फुटबॉल का स्ट्राइकर, मेरे पास कितना बड़ा ग्राउंड भी था, पर इंसान जो चुनता है आखिर वो बन ही जाता है, आपको तो पता ही है ना उसके बारे में। पता नहीं ये चाबियां कहाँ छिपाई है भाई ने। No way. पागल भाई, आज 13 अप्रैल 2013 है और घड़ी में 13 यानी 1 बज रहे हैं, क्या इत्तेफाक है? आज 13 बजे 13वें दिन 2013 को मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, बस आज दिल चाहा कि तुमसे कह दूं, तुम्हें याद करते करते देखता हूं यहाँ की गलियों की बत्तियां शाम 7 बजे बुझ जाती है, तुम्हारी याद में इनके साथ चलता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है मेलिस, कभी कभी 7:05 तक भी वो जलती है तो कभी कभी 7:10 तक भी टिमटिमाती है। नहीं मेलिस झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी तो 7 और 7:30 के बीच रंग भी बदलती है। जो भी हो मेलिस, मैं तुम्हें चाहता हूँ, इतने सालों से मैंने हर रोज तुम्हें प्यार किया है मेलिस, क्या कभी तुम भी मुझे चाहोगी? फिर मैंने उसे क्या पीटा और जो उसके मुंह पे मारना शुरू किया, मैं तो उसे खत्म ही कर देता, पर फिर वो वीडियो गेम वाले कॉइन्स खत्म हो गए तो फिर मैं उसे मार ही नहीं पाया। वो बड़ा मुश्किल वक्त था जब तुम मेरे पेट में थे, अरे मैं तो चाहती थी कि तुम्हें पैदा होने से पहले ही गिरा दूं, पर तुम्हारे पिताजी नहीं माने, मुझे तो आज भी कोई बोल दे तो मैं आज ही तुमसे छुटकारा पा लूं बेटा, सच कहूं तुम्हें। हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या, हम एक दूसरे से झूठ थोड़ी ना कह सकते हैं मॉम, लोग चाहते हैं कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊं, लेकिन मैं चाहता था कि अपनी फैमिली देखूं, और सबने जो चाहा वही मैंने चुना, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या इशारों में बात चल रही है तुम दोनों की, कोई नई कोडवर्ड वाली लैंग्वेज शुरू की है क्या? इधर देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे पता है तुम उस कमीनी चुड़ैल औरत के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहे हो। कौन सी औरत? फिर से लाले मत कहना। मैंने लैला थोड़ी कहा, उसका नाम लिया। बस निकल जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, निकलो अभी, निकलो यहाँ से। अरे अरे अरे, हम तो बस बैठकर बात कर रहे थे, तुमने अचानक से दौड़ा क्यों पड़ जाता है? चलो, समझ में नहीं आता मुझे, और लोग पता नहीं मुझे पागल क्यों कहते हैं। मम्मी, मुझे लेटर्स मिले हैं, उस सैफू ने मुझे 2227 लेटर्स लिखे थे, भाई ने छुपा कर रखे थे, उनमें से सिर्फ मुझे 27 मिले हैं। तो बड़ा शर्मिला है, 1 2 3। मम्मी मम्मी, मुझे तैफूर को मिलने जाना है, लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूंगी? अच्छा आइडिया है, पर कैसे? मम्मी मेरी प्लीज मदद कर दो ना, सोचो ना मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ।
मैंने उसे इतना जोर से मारा कि वो गिर गया और उसका मुंह पास वाले खंबे से टकरा गया। बेचारे का फेस पूरा टेढ़ा हो गया था। तब जाके मुझे कुछ अच्छा लगा, पता है। ए, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? क्या देखते रहते हो यहाँ पे? हाँ, रात में क्या तारे गिन रहे हो क्या तुम? वो नए साल की पार्टी कब मनाएंगे? मैंने कभी पार्टी नहीं की। मैं तो बस मातम मनाता हूँ। तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मनाते हैं। घर में आग लगी है। लगता है घर में आग लगी है। घर में आग लग गई है। चलो मम्मी, मम्मी, मम्मी। तैफूर, मिलिस, तैफूर, भागो, तैफूर भागो। मेलिस, इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो? तैफूर, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। अरे, सर पे चोट लग गई है क्या? भाई ने जो तुम्हारे लेटर्स छुपाए थे मैंने पढ़ लिए। क्या तुम सच कह रही हो? अब जाके पढ़े। अरे अब चलो पहले। ये क्या कर रहे हो? संगीत है, पंछियों का। आह, चुप करो तैफूर। आह, चाय तो पी ले बेटी। हाँ, तो कैसा था एग्जाम? ओपन फैकल्टी एग्जाम? हाँ, तू तो सच में पूरे खानदान में सबसे ज्यादा समझदार निकली। अब आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या हो गया आपको मम्मी? शाबाश, और अब बाहर जाकर नौकरी करना। हाँ, क्या जॉब जॉब लगा के रखा है, कोई इस घर से बाहर कदम नहीं रखने वाला है, प्लीज। सही बोल रहा है ये। जब देखो उन लफंगों के साथ घूमते हो, तुम करोगे क्या और खाओगे कब? क्या अभी? बस बस मेलिस, तुम्हें बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है। तब मम्मी रखाओ तो सही। ये मेलिस कहाँ गई है? यहीं तो बैठी। अरे तो आपको मैं क्या अंधा लगता हूँ? मैं पागल लगता हूँ क्या? बेवकूफ लगता हूँ? मुझे क्या दिख नहीं रहा है कि कहाँ पर गई है मेलिस? बताओ मुझे। क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम तो पहले से ही पागल हो। मम्मी अब... मेरी प्यारी बच्ची, तू इसकी मत सुनना। मेरी बहन को लेकर गए? मेरी बहन को कौन लेकर गए? चलो मेरी बहन को ढूंढना है। हमारी टीम को बोल दो हम यही घर से अखबार चलाएंगे। जी सर। बच्चे मोहल्ले में जाओ और बोलो टीम को यहाँ आ जाए। बच गए। भाई भाई, क्या हुआ? आसिम ने हमें अपने बड़े घर पे बुलाया है, हम वहीं से अखबार छापेंगे। अरे वाह। ये तो बड़ी खबर है, बहुत बढ़िया। तुम भी वहाँ चलो ना। हाँ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, हम सभी तो होंगे, तुम एकदम सेफ रहोगी। मेलिस। भागो भागो यहाँ से, भागो। मेलिस, अगर मेरा चेहरा जोकर जैसा बन गया तो क्या कोई पहचानेगा मुझे? नहीं मिस, आपके मम्मी पापा पड़ोसी तक नहीं पहचान पाएंगे। तैफूर, चलो चलो चलो।
कौन हो तुम? Come on, ये मैं हूँ तैफून। तुम थोड़ी मेले सो सकते हो, कुछ भी। चलो चलते हैं, चलो। आ जाओ इनके साथ मिल जाते हैं। यही रुको। ओए भागो भागो, निकलो यहाँ से। और अच्छा लग रहा है? ओ, वाह, इतना बड़ा घर। हम पहले आ चुके हैं। क्या शानदार हवेली है, एकदम राजा के महल जैसा। हाँ, पर पहले हम आ चुके हैं लतीफ और सम्मान मंडली के साथ। क्या गजब का घर है भाई। अरे देख तो चुके हो इस घर को पहले। फिल्म के सेट जैसा लग रहा है। हाँ, पर पहले देखा हुआ है। एकदम हवेली के जैसा। आओ चलो। मेरे बिना तो काम चलेगा ही नहीं, क्या कहते हो? आऊं? आओ चलो। शुक्रिया। मेरी टीम, यहाँ सबका स्वागत है। आज से यही घर हमारे अखबार का भी घर है। यहाँ जितने भी कमरे हैं आप सबके लिए खुले हुए हैं। जो कमरा अच्छा लगे वहाँ अपना सामान रख लो। अगर मेरा खुद का बेडरूम चाहिए तो वो भी ले लो। जाओ ले लो। अरे वाह, बहुत खूब, परफेक्ट है। यही जगह है मेरे लिए, देखूं तो। तुम्हारा क्या काम, तुम तो अखबार में काम भी नहीं करते। ये आपसे किसने कह दिया? पता है कि नहीं, अखबार में मेरा भी एक कॉलम है। कौन सा कॉलम? अरे आसिम ने क्या नहीं बताया तुम्हें? लाल किताब, कर्ज के बही खाते। कर्ज पर कॉलम? हाँ, एकदम सही समझे। किसका कैसा कर्ज? देखो कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना। दाढ़ी वाले ने इस हफ्ते पड़ोसियों को हफ्ता नहीं दिया, तो पड़ोसियों ने पता है क्या किया? मेहनत ने डच बैग को कर्जा दिया, पर डच बैग उठा के डुडुलू से भाग गया। फिर क्या हुआ, कुछ इस तरह की खबरें। और क्या, बर्बाद है सब, बर्बाद है। अब इन लोगों को क्या बोलूं? पका मत। मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर तो जमीन भी गर्म है, हड्डियां तक गर्मा गई हैं। थोड़ा इस तरह घूम जाता हूँ, कुछ ज्यादा ही गर्म आ गई है। मैं तो हर तरफ मुड़ जाऊंगा। इस सबाती का हम क्या करें, इसकी हरकतें बहुत अजीब हैं। काश कि हम यहीं रह जाएं हमेशा के लिए, या अगर ऐसा हो जाए कि ये लोग हमें गोद ले ले तो आइला, फिर तो मजा आ जाएगा। कड़ी पत्ता? किसका पत्ता? इस किताब ने मेरा पूरा बचपन बिगाड़ दिया। दिखा, संभल के। फिकर मत कर भाई, मैं सिर्फ क्लाइमेक्स पढ़ूंगा। ब्ला 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 ब्ला। और फिर मेरा भाई कुत्ते की मौत मारा गया। कमाल है, इतने शानदार कमरों में से तुमने यही चुना। मैं अनाथ हूँ, यहीं पे ठीक हूँ। मैं किसी के साथ रह नहीं सकता, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। चलिए जाइए इससे पहले कि मैं सोने की तैयारी करूं। घूम के क्यों खड़े हो, पलट दो। देखो जरा इनके कपड़े देखो और हमारे कपड़े देखो। मैं बोल रहा हूं हम यहाँ के काबिल नहीं हैं। तो चले जाओ, जाओ जाओ। सिपाही, क्या हो रहा है ये सब? सर, बच्चों को इस बात का एहसास हो गया है कि वो इस जगह के लायक नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि अगर वो चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ सर। मेरी बात सुनो, हर मर्ज का कोई ना कोई इलाज जरूर होता है, तो इसका भी इलाज हम ढूंढ लेंगे। सबसे पहले ये जान लो, अब से ये अलमारी तुम्हारी है। इन कपड़ों में मैंने क्या क्या बदमाशियां नहीं की हैं। मुझे वो दौर भी याद है 1970 का, जब मैं जवान हुआ करता था।
हाँ तो मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं अपने अखबार के बारे में बात करना। तो जेम, तुम्हारी न्यूज क्या होगी बताओ। मैं लिखूंगा उनकी कहानी जिन्हें आखिरकार उनकी पसंद का घर मिल गया और फिर कोई फिक्र ना रही। अर्सन, अपनी खबर बताओ। जी, मैं वो जो लोग मुझसे झूठ बोल के पैसा लेके गए, मैं उनकी बैंड बजाना चाहता हूँ। उनका पर्दाफाश करना है मुझे। तुम्हारी बात सुनकर मैं तो डर ही गया था। काफी अच्छा आइडिया है, ये चलेगा। तो चलो अब अपने काम पर लग जाओ। हमको इंसाफ दो, 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 हमको इंसाफ दो। विरोध करने वाले दोस्तों, क्या आप में से किसी को भी उन ठगों के ठिकाने का पता चला है? नहीं, हमें नहीं पता। ये फोन भी बंद है, कहां से पता चलेगा उनका? उनका कोई और नंबर है क्या? एक नंबर ये भी है, ये भी बंद आ रहा है। कैसे हो विरोध करने वालों? हेलो, स्वागत है आपका। हाय। आओ भाई, तुम भी फंसे क्या? हाँ, मुझे तो कल ही ताजा धोखा मिला। मतलब तुम ताजे ताजे फंसे हो, तुम्हारे पास उनका नया नंबर जरूर होगा। नया नंबर दो ना जल्दी। देखिए, मेरी बात सुनिए वसीफ भाई, वो ठग आपके बारे में कुछ नहीं जानते। आप उनसे मिलने को बोलिए और उनसे मिलने का टाइम फिक्स कीजिए। वहां मैं चुपके से उनकी फोटोज ले लूंगा और अखबार में छपवा दूंगा, तभी मुझे इंसाफ मिलेगा। उसके पहले मुझे इंसाफ नहीं मिलने वाला। कमाल का आइडिया है सच में। वाह, कमाल का ऑफर है ये। यानी मैं सिर्फ पैसे दूं और घर पूरा मेरा हो जाएगा? और नहीं तो क्या, पैसे दो और जमीन के कागज ले जाओ। अरे वाह, यानी हम इसी जमीन की बात कर रहे हैं ना? है ना? इतनी अच्छी जमीन, शायद मैं एक और घर लेना चाहूंगा। क्या पता अभी, वाह, मैं तो दो घर लेना चाहूंगा। हाँ, बधाई हो आपको। बहुत शुक्रिया, मैं पैसे दूंगा और पूरी की पूरी जमीन मेरी हो जाएगी। कमाल की एक्टिंग की वसीफ भाई, मैंने हर एंगल से उनकी फोटो खींच ली। अब तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुमने खुद ही इसकी पूरी पड़ताल कर ली। अब बस आगे देखो, तुम्हारा भविष्य एकदम सुनहरा होने वाला है। दुष्ट लोगों का पर्दाफाश करोगे और आगे जाके फिर और आगे जाके इन्हीं लोगों के तुम हीरो बन जाओगे। हाँ? मजबूरों के मसीहा बनोगे और बुराई के बन जाओगे दुश्मन। ये दाढ़ी में मैं हूँ क्या? और नहीं तो क्या, पहचानो ये तुम ही हो। किसी सिपाही की तरह चलो और बुराई का जड़ से नाश करो। ओ मेरी बैतुल, हम अब मिल नहीं सकते। आप पर क्यों? हम मिल रहे हैं अभी, पर हम मिल नहीं सकते क्योंकि हमारे बीच पैसों की दीवार खड़ी है। तुम्हारा परिवार मुझ गरीब को पसंद नहीं करेगा। तो चलो फिर उनसे मिल लेते हैं। क्या? देखो, चलो। मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहती हूँ। ये है सैम, ये है मेरे मॉम और डैड। खुशी हुई हिलके, मतलब मिलके। हाँ बिल्कुल, चलो हमारी बड़ी शिप पे चलते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं है, हमें घूमने जाना है। अच्छा डैड, सैम गरीब है, बहुत 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 गरीब है, और उसे लगा कि शायद आप लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरी फैमिली बहुत ही अलग है। अरे बेटा, ये में कोई बात हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हमें सब मंजूर है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हमें क्या दिक्कत है? सच, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं, हमारी जिंदगी हिलते डुलते घूमते रहना है। वैसे हमें एक मैनेजर चाहिए था, तुम ये जॉब ले लो, अच्छा रहेगा। मैं? क्या बात है, मंजूर कर लो।
लो ऐश करो। हे मेलिस, मेलिस, मेलिस। क्या तुम ठीक तो हो ना? अब क्या हुआ? अखबार फिर से चालू हो रहा है मेलिस, और सेल्स भी अच्छे होंगे। हमने तो बस ब्रेक लिया था, अब हम वापस आ गए मेलिस। आखिर मैं तुम्हें इस कैद से छुड़ा ही दूंगा। अरे क्या बोले जा रहे हो तैफुर तुम? अरे सुनो तो सही, पहले ही गुस्सा कर देती हो। मैं हूं ना। अरे क्या हो रहा है? अरे तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? हिलना मत, यही हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा तुम्हारे, समझे? कहना क्या चाहते हो दोस्त? मेरी बहन मेलिस को कहाँ लेकर गए तुम? कौन कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? एक्सक्यूज मी, मैं अमीरों की बस्ती से आ रहा हूं, और एक लफंगा मेरी बहन को न जाने कहां पर ले गया है। जिम नाम है उसका, मैं भी तलाशी कर रहा हूं दोस्त। मेरी बहन है बेतुल, तो आओ हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। बेतुल, क्या हुआ रिपोर्टर दोस्त? ये लो अंगूठी, हम साथ नहीं रह सकते। बेतुल, मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। पर क्यों? मैंने तो तुम्हें सड़क से उठाया था। मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने जाना कि तुम अगर मेरे साथ हो तो सिर्फ मेरे पैसों की वजह से। मैं जान चुका हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, मैं प्रूव कर सकती हूँ। सड़क से सैंडविच उठाकर खाया, ये सच में पैसे की भूखी नहीं। अब यकीन हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ मुच्छड़, यकीन हो गया मेरी परी। अगर तुम्हें पैसे की परवाह नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए, हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे। क्या बात है यू भाई, ये कार तुम पर बहुत सूट कर रही है, प्रिंस की तरह दिख रहे हो, प्रिंस की तरह, एकदम कमाल। सच में बोल रहे हो तुम? प्रिंस के जैसे। मैं प्रिंस हूँ हाँ। शांत 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 शांत। मिस गुल, क्या आपको कहीं छोड़ सकता हूं मैं? नहीं प्लीज, तुम निकल जाओ यहां से। देखा तुमने कितनी अच्छी ड्राइविंग की मैंने? हाँ हाँ, बहुत अच्छी ड्राइविंग है। क्या तैफूर ने मेरी बहन को उठाया क्या? तुमने देखा उसे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओह भाई, कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई अनहोनी सी घटने वाली है। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई, है ना? पता नहीं क्या, पर कुछ ना कुछ जरूर बुरा होने वाला है, मुझे अंदर से लग रहा है सच में। नाज़ली ने फोन करना बंद कर दिया। काइको, मेरे लिए दुआ करो। या रब्बा बचा ले। अब क्या करें? उत्तरी, ये क्या है? अरे क्या हो रहा है? ये क्या है? हेल्प बन रहा है ये? अरे उठाओ इसे, उठाओ, मैंने कहा था ना कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या है ये? हमें यहाँ से जाने दो। हाँ तो लोगों,
ये जो लोग हैं ना, ये आपकी बहनों को उठाते हैं। जब तक ये लोग पिंजरे में हैं, आपकी बहनें महफूज हैं। उन्हें अब बाहर जाने दिया जाए, अब आप चैन से रह सकते हैं। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत हुआ बहुत हुआ। अरे ऐसे भुक्खड़ की तरह मत बैठो, समझे? खा लो इसे, ये लो खा लो इसे बंदर, ये लो अच्छे से खा लो पेट भर के। बस करो, अब बहुत हुआ। मैं बताता हूँ कि बेइज्जती क्या होती है, यहाँ आओ। अरे अरे मेलिस का बताओ जल्दी। हाँ सोच लेना, मैं तुम्हें इस पिंजरे समेत समुन्द्र में फेंक दूंगा। बड़ी मछलियां पिंजरे में नहीं आ पाएंगी, पर छोटी मछलियां ना तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगी जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते। मेलिस क्या बताओ? अरे जोकर, इन्हें पिंजरे से बाहर निकालो। क्या हो गया तुम्हें मेलिस, क्या हो गया तुम्हें? घर जाओ, अभी तुम घर जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, कभी नहीं जाऊंगी, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ मैं। मेलिस तुम ऐसे मत बोलो, लोग कहेंगे कि युब की बहन एक जोकर है। क्या हो गया तुम्हें? मेलिस सुसाम, मैं हूँ। मुझे जोकर की तौर पर चुना गया है और 2 साल के लिए मुझे ड्यूटी पर जाना होगा। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तुम जोकर जोकर खेल रहे हो यहाँ पर? तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। अरे ये धरती फट क्यों नहीं जाती? नहीं, मैं भर क्यों नहीं जाती? नहीं, नहीं, नहीं छोड़ मुझे, नहीं। मेलिस देखो अपनी नाक हटा लो जल्दी। हाँ बहुत अच्छे, अभी अपना विग भी हटा लो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, अब तुम आजाद हो, फ्री फ्री। ए, हाथ मत लगाओ उसे। जनता के दुश्मन, पैसा ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मेरी न्यूज है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सम्मान मंडली का ऐलान है, घर की मुर्गी आजाद। बाबा जबरदस्त, अब हम लोग अखबार छाप सकते हैं। सिपाही, ये खबर एक ही बार में छपनी चाहिए। ताजी खबर, ताजी खबर, टुडुलू पोस्ट की ताजी खबर। मिस गुल, क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी प्लीज? किस तरह के आदमी हो तुम? क्यों? तुम वहाँ अखबार के लिए रोते रहे और तुम अपनी अकड़ दिखाते हुए अपनी बहन को भी बुरा भला कह के चले आए। अब ऐसा नहीं है, आप देखिए। जालिम, जालिम हो तुम, और मुझे लगा तुम एक अच्छे आदमी हो। गलत थी मैं। शायद वो सही कह गई। यो? अब तुम शुरू मत हो जाना। रुको रुको रुको, अब जब वो अखबार बंद हो गया है तो हमारी डील के अनुसार वहाँ तुम फुटबॉल मैदान शुरू कर सकते हो। अच्छा हुआ तुम यहीं पे मिल गई। सच में हो गया? हाँ। मुझे भी आपसे कुछ आज कहना था, तो मैं, आप बहुत अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके नीचे लोग काम करते हैं, तो क्या अभी भी आप लोगों की नौकरी छीनना चाहती हैं, बच्चों को अनाथ करना चाहती हैं, उनके हाथों से रोटी छीनना चाहती हैं? तुम एक बहुत ही बुरी इंसान हो समझी, तुमने अपनी खुद की बेटी पर भी दया नहीं दिखाई। तुम्हें एहसास तक नहीं कि तुम कितनों को बेघर कर दोगी। जिस औरत को प्यार का मतलब नहीं पता, बहुत ही बुरी, उससे इंसानियत की बात। हाँ, बिल्कुल। तुम बड़ी हस्ती हो। सही कहा ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तुम हाँ, बहुत सही कह रहे हो। हाँ बहुत बुरी हो। ये तो गलत बात है ना? अगर आपने सोचा नहीं तो बहुत बुरी इंसान हो। बस अपना दिमाग लगाइए, बिल्कुल के बारे में तो गलत कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए उनके बारे में, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, चुप करो, जाओ खोल लो अपना सड़ा सा अखबार, बहुत हुआ। भाई जितना हमें लगा था उससे कई ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ, क्यों?
हाँ एकदम शादी जैसा माहौल है। उम्मीद है हम तीनों की शादी भी इसी तरह होगी। हाँ क्यों नहीं। आसिम जी। हाँ जी बोलिए। चलिए। किस लिए? चलिए शुरू करें। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ जूना कैसे खेलना होता है। ना बाबा। मिलीश। क्या हुआ? तुम ये खाओगी? हाँ। जरा खा के देखो बहुत टेस्टी है ये। तुम यकीन नहीं करोगी लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम कितने प्यारे हो तैफूर। क्या हो रहा है यहाँ पे? सब हमारे साथ डांस करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? सब हमारे साथ हाले डांस में आओ। ये लोग कौन है? पोस्ट है। कैसी हो?